नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तथा इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम चिंताओं के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले वीडियो की विषय वस्तु को समझ लेते हैं कि हम किन किन बिंदुओं के माध्यम से आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हालिया खबर क्या है, और उसके बाद फिर हम ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में जानेंगे, और ये जो प्रस्तावित परियोजना है हम इसको भी डील करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये परियोजना क्यों लाई जा रही है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। उसके बाद फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस परियोजना से जुड़ी चिंताएं क्या क्या हैं और इस पर सरकार का क्या कहना है, यानी सरकार का तर्क क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो आइए सबसे पहले हालिया खबर देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने ग्रेटर निकोबार द्वीप में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय मेगा परियोजना को विकसित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2020 में घोषणा की थी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह 72,000 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और इस परियोजना को अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में लागू किया जाना है। अब आइए इस द्वीप के बारे में जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार का जो क्षेत्रफल है वो 910 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें छोटे बड़े लगभग 836 द्वीप शामिल हैं। इन द्वीप समूहों को दो प्रमुख द्वीप समूहों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह तकरीबन 150 किलोमीटर चौड़े 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। चैनल के उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप से 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, 2 नेशनल पार्क, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों, पर्वत श्रृंखलाओं और समुद्र तल से 642 मीटर की ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला है। ग्रेट निकोबार शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी लोगों का भी घर है, और इसके साथ पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो पूर्व सैनिक थे उनका भी घर है, और ये लोग 1970 के दशक में इस द्वीप पर बस गए थे। ये जो शोम्पेन यहाँ के आदिवासी लोग हैं, ये शिकारी संग्रहकर्ता हैं, जो जीविका के लिए वन और समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं। द्वीप के पश्चिमी तट पर रहने वाली निकोबारियों को ज्यादातर 2004 की सुनामी के बाद स्थानांतरित कर दिया गया था। अनुमानित 237 शोम्पेन और 1094 निकोबारी व्यक्ति अब 751 वर्ग किलोमीटर के आदिवासी रिजर्व में रहते हैं, जिनमें से कुछ 84 वर्ग किलोमीटर को विमुक्त करने का प्रस्ताव है। द्वीप पर रहने वाले लगभग 8000 निवासी जो हैं, वो कृषि, बागवानी और मछली पकड़ने जैसे रोजगारों से जुड़े हुए हैं। अगर जीवों के संदर्भ में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्तनधारियों की 14 प्रजातियाँ, पक्षियों की 71 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 26 प्रजातियाँ, उभयचरों की 10 प्रजातियां और मछलियों की 113 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ लुप्त प्राय हैं। और यहां का सबसे प्रमुख प्रजाति है लेदरबैक समुद्री कछुआ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस यहां पे रखता है। अब आइए इस प्रस्तावित परियोजना के बारे में भी हम लोग जानते हैं। एक ग्रीनफील्ड शहर का इसमें प्रस्ताव किया गया है, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी ICTT, एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और परियोजना को लागू करने वाले कर्मियों के लिए एक टाउनशिप भी शामिल है, जहां पर वे रहेंगे। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रस्तावित बंदरगाह कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर ग्रेट निकोबार को क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति प्रदान करेगा। अर्थात निकोबार द्वीप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह केंद्र होगा। आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो हमारा रोजगार या व्यापार होता है वो हम लोग समुद्री मार्ग से ही करते हैं, तो ऐसे में इसका बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ व्यापारिक महत्व भी है। और ये जो बंदरगाह है, इसे भारतीय नौसेना द्वारा यानी इंडियन नेवी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जबकि जो हवाई अड्डा है वो एक संयुक्त सैन्य तथा नागरिक दोहरे उपयोग वाला होगा, यानी सेनाओं को भी उससे आवाजाही की सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ सिविलियंस को भी। साथ ही इसके जरिए पर्यटन संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी की जाएंगी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं दोस्तों। पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कें, सार्वजनिक परिवहन
जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं और कई होटलों की योजनाएं भी बनाई गई हैं ताकि टूरिस्टों को कोई समस्या ना हो। करीब 130 वर्ग किलोमीटर के जंगलों को डायवर्जन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है और तकरीबन 9.64 लाख पेड़ों के काटे जाने की संभावना है और इसी बात पर हमारे पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल के बारे में आगे बात करेंगे। विकास गतिविधियों को चालू वित्त वर्ष में शुरू करने का प्रस्ताव है और बंदरगाह के 2027 से 28 के बीच में चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। विकास की अवधि में द्वीप पर 1 लाख से अधिक नए प्रत्यक्ष रोजगार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और तकरीबन 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। अब आइए इस परियोजना के उद्देश्य के बारे में भी जान लेते हैं साथियों। इस द्वीप में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार का बड़ा लक्ष्य आर्थिक और रणनीतिक कारणों से द्वीप का लाभ उठाना है। ग्रेट निकोबार कोलंबो से दक्षिण पश्चिम और पोर्ट क्लैंग तथा सिंगापुर से दक्षिण पूर्व में समान दूरी पर है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है और पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर के करीब स्थित है, जिसके माध्यम से दुनिया के शिपिंग व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए सरकार इसको डेवलप कर रही है। प्रस्तावित ICTT संभावित रूप से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले मालवाहक जहाजों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। और आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार को विकसित करने का प्रस्ताव पहली बार 1970 के दशक में लाया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र के समेकन के लिए इस महत्व को बार बार रेखांकित किया गया। बंगाल की खाड़ी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीनी दबदबे ने हाल के वर्षों में इस अनिवार्यता को और भी बढ़ा दिया है। इस तरीके से चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपना सिस्टम आगे बढ़ा रहा है, तो उसको देखते हुए हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम चीनी घुसपैठ को काउंटर कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब आइए इससे जुड़ी कुछ चिंताओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो तकरीबन मैंने आपको बताया कि 9.64 लाख पेड़ों की कटाई होनी है, तो पेड़ों की कटाई सहित पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र में प्रस्तावित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास ने बहुत सारे पर्यावरणविदों को चिंतित कर दिया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों को काफी क्षति होगी और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरीके से नष्ट होने हो जाने की संभावना है, या हो सकता है हो भी जाए। पर्यावरणविदों ने पारिस्थितिकी संवेदनशीलता, स्थानीय अधिकार, भूकंप और सुनामी के प्रति सुवेद्यता, इन तीन आधारों पर इस विकासात्मक परियोजना के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ इसमें जो हमारा समुद्र है उसमें भी गाद बहुत ज्यादा मात्रा में भी जम सकता है, ऐसा कई सारे पर्यावरणविदों का मानना है। पर्यावरणविदों ने विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप द्वीप पर मैंग्रोव वन के नुकसान को भी चिन्हित किया है। अब आइए जानते हैं कि सरकार का इस मामले पर क्या पक्ष है। सरकार ने कहा है कि लेदर बैग कछुए के लिए, जो कि वहां की एक प्रमुख प्रजाति है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, लेदर बैग कछुए के लिए एक संरक्षण योजना भी बनाई जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कहा है कि विकास क्षेत्र द्वीप और उसके वन क्षेत्र के क्षेत्रफल का केवल एक छोटा प्रतिशत, मात्र 15% है और सभी पहलुओं पर विचार करने की बात मंजूरी दे दी गई है। यानी 15% भाग में ही मात्र भी विकासात्मक परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने ये कहा है, इस विकासात्मक परियोजना से अस्थायी और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा और हमारे लिए रणनीतिक महत्व में और भी हमारे लिए ये हितकर होगा, उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी। अब आइए लास्ट में जानते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो भारत को अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन सभी विकास रणनीतियों को अपनाना चाहिए जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य हों, व्यवसायिक रूप से लाभदायक हो और सामाजिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकार्य हो। ऐसा ना हो कि हम विकास के पीछे पूरी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र को ही नष्ट कर दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। आशा करता हूँ आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।